सीआरपीएफ के 82वें स्थापना दिवस के मौके पर सीआरपीएफ के त्रिगंजा पार्क में एक समारोह आयोजित किया गया। सीआरपीएफ के मध्य प्रदेश रेंज आईजीपी के विजय कुमार के नेतृत्व में जो जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई। सभी जवानों ने शस्त्र ड्रिल के द्वारा शहीदों को सम्मान दिया। सीआरपीएफ के बैंड की धुनों पर शहीदों को नमन किया गया। जवानों ने कदम ताल मिलाकर गार्ड ऑफ ऑनर दिया और सीआरपीएफ सदा विजय रहे, भारत माता की जय का घोष हुआ। उसके पश्चात मध्य प्रदेश रेंज आईजीपी के द्वारा किला क्षेत्र में पौधारोपण भी किया गया। पौधारोपण करके पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। आपको बता दें कि नीमच सीआरपीएफ की जन्म स्थली है और 27 जुलाई को नीमच की इसी लाल माटी देश की सबसे बड़ी इस बटालियन की स्थापना हुई। देश में सीआरपीएफ में जितने भी जवान भर्ती होते हैं उनका ट्रेनिंग सेंटर नीमच ही रहता है। बताया यह भी जाता है कि यह सेंटर देश का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश रेंज आईजीपी के विजय कुमार, आरएस रावत डीजीपी सीआरपीएफ, महेंद्र कुमार डीआईजीपी सीआरपीएफ, राजेश ठतरवाल डीआईजीपी आरटीसी नीमच सभी ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही नमन किया। स्थापना दिवस है, क्या कुछ कहना सर? ये हमारे लिए बहुत ही अहम दिन है, बहुत ही जरूर इम्पोर्टेंट दिन है। जिस दिन सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में 27 जुलाई को हुई थी और उस समय इसको क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था, उस समय भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी मदद के लिए ये तत्पर रही। उसके बाद जब आज़ादी के बाद जो देश के अमन चैन के लिए इस फोर्स ने 83 साल में आज प्रवेश किया है और ये हमारे लिए बहुत ही, इसीलिए हम इसको पर्व को मना रहे हैं सभी मिलके। और इसमें हम विशेषकर उनको याद करना चाहेंगे जिन्होंने अपने देश के लिए अपने जान की आहुति दी, सुप्रीम सेक्रीफाइस किया और देश के अमन चैन को कायम रखने के लिए अपना योगदान दिया, अपने फोर्स का नाम किया। बहुत ही अलग अलग जगह पर ये फोर्स अलग अलग तरह की ड्यूटीज़ करती आई है और एक प्रोफेशनल फोर्स के तौर पर हर फील्ड में, LWE में, JNK में, नॉर्थ ईस्ट में, इवन विदेशों में जो हमारे डिप्लॉयमेंट रहे हैं उसमें भी बहुत अच्छे मुकाम हासिल किए हैं। और मैं इस दिन देश के हर सिपाही को, उनके परिवार को और देश को भी एक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इस फोर्स का जो दायित्व रहा है इसने निभाया है और आगे भी ये बहुत अच्छी तरीके से रहेगा। सर, स्थापना दिवस को लेकर आज क्या कुछ कार्यक्रम हो रहा है? आज पार्क में शहीदों को श्रद्धांजलि की थी। इसमें कई तरह के कार्यक्रम पिछले कुछ दिनों से हुए जिसमें कि एक वाटिका थी जो कि शहीद वाटिका के नाम से, उसमें कुछ वृक्षारोपण किए गए और वृक्षारोपण की सीरीज पिछले महीने से ही हमारी चल रही है और पूरे हफ्ते ये कार्यक्रम चलता रहेगा जिसमें कि स्पोर्ट्स के इवेंट्स भी होंगे। आज हमारे यहाँ जो कि नीमच, जहाँ पर कि सीआरपीएफ का शुरुआत हुआ, वहाँ पर हिस्टोरिकल जगह पर इसके लिए हमने शुरुआत किया। सुबह एक इसमें कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्वार्टर गार्ड में कार्यक्रम आयोजित किया गया और बहुत ही सुंदर माहौल में, जिसमें कि वरुण देवता की भी मेहरबानी रही और बड़े अच्छे माहौल में ये सब हम लोगों ने पूर्ण किया है। सर, सीआरपीएफ देखा जाए कि किस तरह से सीआरपीएफ की भूमिका रहती है, अब ये देश के ना जो हालात है, जिस तरह से अभी हालात चल रहे हैं उसको लेकर सीआरपीएफ की किसी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है? सीआरपीएफ की भूमिका एक नहीं है, वो मास्टर ऑफ ऑल है, जैसे जैक ऑफ नहीं है। और इसमें मास्टर ऑफ ऑल का कहने का मतलब है कि LWE जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आजकल एक बहुत ही चैलेंजिंग एरिया है और उसमें बहुत ही सफलताएं कुछ दिनों से सीआरपीएफ के हाथ में लगी हैं। और इसका कारण यह है कि एक फोर्स प्रोफेशनल तरीके से अपना काम को करती है, इसका स्टेट पुलिस के साथ में तालमेल बेहतरीन रहा है और अपने एक रोल से दूसरे रोल में शिफ्ट करने में ज़रा भी समय जाया नहीं करती है। देखा गया है कि देश के अंदर आतंकवादी गतियाँ बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर सीआरपीएफ प्रथम स्थान रहती है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आतंकवादी गतिविधियाँ के बढ़ने के कई कारण हैं और उसको नेगेट करने के भी सीआरपीएफ के पास में कई जरिए हैं, जिसको कि हम लोग अपने टैक्टिक्स के हिसाब से JNK में, इवन LWE में और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस बाकी जगह उत्पन्न होती हैं उससे लड़ने के लिए हर समय तत्पर हैं और बड़े अच्छे तरीके से अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। सर, जैसा बताया नीमच सीआरपीएफ की जन्मस्थली है, हमारे शहर के लिए गौरव की बात है, क्या कुछ कहना चाहिए?
बिल्कुल, एक बहुत ही गौरव की बात है। नीवच वासियों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं इसके लिए, जिन्होंने कि इतने सालों से सीआरपीएफ को देखा है, यहां पर इसको बढ़ते हुए देखा है। पहले एक बटालियन थी, दो बटालियन थी, आज लगभग 250 बटालियन हमारी हैं, जिसके अलावा कई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, और ये विश्व का सबसे बड़ा पैरा मिलिट्री फोर्स उभर के आया है, इसके लिए हमें गर्व है। सर देखा गया स्थापना दिवस का नियम से जन्मस्थली कहा आपने, लेकिन यहाँ देखा जाएगा इतने बड़े कार्यक्रम को लेकर यहाँ पर कोई भी राष्ट्रीय नेता है तो राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम नहीं होता, इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ सर जन्मस्थली। ये कार्यक्रम समय समय होते रहते हैं, पिछले साल भी ये इसका लाइव कवरेज सब जगह किया गया, और भी अलग अलग इलाके में सीआरपीएफ तैनात है, और वहाँ पर भी हम सब मिलकर अपने शहीदों को और अपने लोगों को याद करते हैं। तो ये पूरे देश के लिए पर्व है, सिर्फ नीमच के लिए नहीं। बात यह कि जन्मस्थली है, लेकिन देखा जाए यहाँ पे कई राष्ट्रीय नेता थे, केंद्र लेवल पर काम था, लेकिन अभी कुछ समय देखा गया कि नीमच को देखा जाए नगरता जा रहा है। इतना बड़ा स्थापना दिवस होने के बाद भी एक भी राष्ट्रीय स्तर नेता या राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम नहीं हुआ है। नहीं, हमने ये सोच के ही यहाँ पर आए हम लोग कि ऐसे आईजी एमपी सेक्टर में भोपाल से यहाँ इसीलिए आया, और इसके अलावा जो बाकी जगह जैसे कल कारगिल का दिवस था तो उस समय भी कई लोग अपने अपनी जगह, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि अलग अलग कार्यक्रम हैं, सबकी अपनी अपनी महत्वता होती है, और नीमच की अपनी महत्वता है, वो हमारे लिए बहुत सर्वोपरि है, इसीलिए हम लोग सब यहाँ पर हैं। कल कारगिल विजय दिवस था, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से कारगिल विजय दिवस हुआ, क्या कहना, किस तरह से सीआरपीएफ की भूमिका महसूस करें? कारगिल जब हुआ उस समय सीआरपीएफ की भी बड़ी अहम भूमिका रही, मेरी पलटन, मेरी बटालियन उस समय डोडा में और मेंढर में तैनात थी, और उसके अलावा सीआरपीएफ कश्मीर वैली में और कारगिल एरिया में जो कि लाइन ऑफ एक्टिव लाइन है उसको क्लियर करने में भी सीआरपीएफ का अहम रोल रहा। तो उस समय भी सीआरपीएफ जैसे डोडा में हम लोगों का भी सुप्रीम सैक्रिफाइस कुछ लोगों का हुआ, जिनको कि हम आज याद करते हैं, और मेंढर इलाका जो कि बॉर्डर इलाका है वहाँ पर सीआरपीएफ का बहुत ही अहम रोल रहा है कारगिल के समय।